वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीग्र व पांडेपुर वाराणसी। वाराणसी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 28 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वाराणसी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 86 हो गई है। संक्रमित सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सोमवार को BHU जांच लैब से मिली 4,357 जांच रिपोर्ट में 28 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें 19 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वाराणसी में अब तक इस बीमारी से 81,637 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें होम आइसोलेशन में 75,334 और विभिन्न अस्पतालों में 6,303 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों से जिले में इस बीमारी से 773 लोगों की मौत हुई है। BHU में BSc व MSc कृषि विज्ञान की बढ़ी फीस विद्यार्थियों से वसूलने के विरोध में छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों व समर्थकों ने सोमवार को कृषि विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना शुरू कर दिया। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बीते 31 दिसंबर को ही कुलपति को ज्ञापन देकर बढ़ी हुई फीस वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई निर्णय न किए जाने के विरोध में सोमवार को पूर्वाहन विद्यार्थियों का समूह कृषि विज्ञान संस्थान परिसर में इकट्ठा हुआ और मुख्य द्वार के पास कतारबद्ध होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। इसको आग्रह करेंगे कि जो भी फीस बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लिया जाए। आने वाले समय में वह कोई सकारात्मक सूचना हम लोगों को देंगे, यह आश्वासन उन्होंने दिया है। हम लोगों ने भी उनसे कहा है कि अगर आने वाले समय में कि कोई अगर इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को निश्चितकालीन चलाएगा एवं तब तक अपना आंदोलन को चलाते रहेगा जब तक फीस वापसी नहीं होगी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरों के कायाकल्प पर BHU के स्वतंत्रता भवन में सोमवार को काशीसार आर्किटेक्ट्स मीट आयोजित हुई। कार्यक्रम में देश भर से आए आर्किटेक्ट्स जुटे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने काशी के पुरातन इतिहास का जिक्र करते हुए इसकी प्राचीनता के बारे में चर्चा की। कुलपति AKTU प्रोफेसर विनीत कंसल ने वैज्ञानिक सोच को धरातल पर होने वाले कार्य से जोड़ने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि AKTU से संबंध 750 विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र एवं उनके गुरु सोच को व्यवहारिक धरातल से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। उनकी ऐतिहासिक धरोहर को उसकी संस्कृति को कैसे जोड़ते हुए आगे के आगे प्लान करना है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। आज उसी सीरीज में यह पहला किया गया है जिसमें देश भर के आर्किटेक्ट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी के लोग इस क्षेत्र से जो अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग सब लोग जो कि आज इस पे विचार विमर्श करेंगे। एक एग्जीबिशन भी रहेगा और आगे हम लोग की कोशिश है कि इसकी पेपर्स भी ऑर्गेनाइज किए जाए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं वाराणसी में शीतलहर के प्रकोप से आम जनमानस परेशान है। अभी शहर में ज्यादातर जगहों पर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली अलाव की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। ऐसे में स्थानीय पार्षदों से लेकर स्थानीय निवासियों में भी आक्रोश की स्थिति है। नगर निगम के भिलपुर वार्ड में आम जनमानस ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लाइव विनस ने जब जानकारी लेनी चाहिए तो कुछ ने कहा कि अलाव जलता है और कुछ ने कहा अलाव नहीं जलता है। वहीं 80 इलाके के पार्षद प्रतिनिधि गोविंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम इस बार लापरवाही बरत रहा है और पूरे जोन में अभी तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। 80 घाट पर भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सुधारपुरा पर जल रहा है, भदेनी में जल रहा है, अग्रवाल रेडियो पर जल रहा है, 80 पर जल रहा है। देखिए हो क्या रहा है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे अलाव का जो पॉइंट तय किया गया है, क्षेत्रीय जनता जो है कुछ लकड़ियां उठा के अलग अलग जगहों पर एक अलाव को 3-4 जगहों पर जला दे रही है, जिससे ये लग रहा है कि वहां पर अलाव नहीं जल रहा है। ऐसी स्थिति कई जगहों पर हमने देखी है। नगर निगम द्वारा अलाव की मेरे वार्ड अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाकी अगल बगल के वार्डों में पता लग रहा है कि अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम हम पार्षदों को न जाने किस नज़र से देख रहा है, इसको बताना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,
वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट 57 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ 57 गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाया गया था, बाकी लोगों को महाविद्यालय स्तर पर उपाधियां दी जाएंगी। बता दें कि राज्यपाल संपूर्णानंद के दीक्षांत समारोह के बाद काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए निकल गई। खुशी हो रही है, ऑब्वियस है, 5.5 साल की मेहनत के बाद फिर गोल्ड मेडल मिलता है तो, और वो भी राज्यपाल के हाथों से, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चंदौली जिले में किशोरों के टीकाकरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर बूथ बनाए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले किशोरों को भी कोवैक्सीन की डोज लगेगी। उन्हें अपना आधार कार्ड बस साथ लाना होगा। हालांकि टीकाकरण में ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों को वरीयता दी जाएगी। शासन के निर्देश पर 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर बूथ बनाए गए हैं। वहीं सीएमओ कार्यालय से ब्लॉकों में कोवैक्सीन की डोज पहुंचा दी गई है। अधिकारी टीकाकरण की मॉनिटरिंग करेंगे। पहली डोज के लिए जिले में 15 से 18 साल तक की आयु वाले 1.5 लाख किशोरों को चिन्हित किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 43वां दीक्षांत समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जो भी छात्र यहां गोल्ड मेडल पा रहे हैं उन सभी को बधाई, पर जो यहां से पास आउट हो रहा है वह छात्र आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह सोमवार को मनाया गया। इसमें विद्यापीठ में 61 मेधावियों को 71 स्वर्ण पदक दिए गए, जिनमें स्नातक के 16 और स्नातकोत्तर के 45 विद्यार्थी शामिल थे। दोपहर 3 बजे शुरू हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर और उपाधि देकर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा से इस बार भी महिलाएं ज्यादा हैं। उन्होंने पुरुष छात्रों से कहा कि उन पर भी उनकी कृपा आगे बढ़े। स्नातक होने के बाद कौन सा पेशा अपनाते हैं, बस हमेशा अपने उच्च नैतिक मूल्य को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामने रखें और आगे बढ़ते रहे, ये अभ्यर्थना। फिर से बहुत बहुत बधाई, जय हिंद। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और खासकर जो हमारे चीफ गेस्ट थे आके त्यागी सर और जो आनंदीबेन पटेल हमारे गवर्नर है, उन्होंने जो हमें मैसेज दिया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनफैक्ट हमारे कैरेक्टर को लेकर, हमारे एजुकेशन को लेकर, या हमारे डेवलपमेंट हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे कंट्री में हमारा कैसा योगदान होना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए इन्होंने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पद्मश्री मालिनी अवस्थी को डीलिट की मानद उपाधि दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन ने उन्हें यह सम्मान दिया। डीलिट की मानद उपाधि पाकर मालिनी अवस्थी ने अपने गुरुओं को आदर और श्रद्धा भाव से नमन किया और कहा कि बहुत अच्छा लगा कि देश के कोने कोने से आकर छात्र यहाँ संस्कृत में दीक्षित हो रहे हैं। आज के परिवेश में भाषा से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कन्नौज में अपने ननिहाल में जन्मी मालिनी अवस्थी ने कन्नौज के प्रश्न पर कहा कि मेरा नाम भी कन्नौज में मालन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब मेरे बायोडाटा में कन्नौज पढ़ा जाता है तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ की गोद में महसूस होता है। देखिए, जन्मभूमि में जब कब पैदा मेरा, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बायोडाटा जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले कन्नौज का नाम लिया जाता है। कहीं ना कहीं मेरा नाम भी जो मालिनी आया, वो चूँकि मालिनी माने मालन, फूलों की जो वो रखवाई, वहीं के फूल क्षेत्र प्रसिद्ध भी हैं, तो अब जन्मभूमि मेरा ननिहाल है तो जन्मभूमि का नाम साथ में आता है, तो ये तो मुझे अपना हमेशा ही, जैसे हर एक को अपने जैसे माँ की गोद पहुँच जाए, ऐसे ही कन्नौज सुन के मुझे भी होता है, लेकिन ऐसे ही सुन के मुझे गोरखपुर के लिए होता है, ऐसे ही सुन लगता है मुझे बनारस के लिए भी। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सोमवार को राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही वहां मौजूद आशा बहुओं को स्मार्टफोन का भी वितरण हुआ। वेलनेस सेंटर में आज से ही बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने का भी शुभारंभ हुआ है। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में लगभग 75,000 की आबादी है, इसका फायदा सबको होगा। चिकित्सकों ने भी बैठना शुरू कर दिया है, लेबर रूम की भी व्यवस्था हो गई है। आने वाले दिनों में यहां और भी सुविधाएं उपलब्ध होगी, साथ ही अस्पताल में 2 मंजिल और बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैतपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए पर चलता था, पर पीएम और सीएम योगी की कोशिश से विधायक निधि से इसका पूरा निर्माण कार्य कराया गया है। इसी विधानसभा में एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जल्द होगा। वाराणसी में आज से 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बरेका केंद्रीय चिकित्सालय में एक बार फिर चिकित्सा कर्मियों ने कमर कस ली है। सोमवार को अस्पताल में GMBLW अंजलि गोयल ने बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले BLW परिवार के
कुल 1326 बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। इसके बाद हम बाहरी लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के मंडल चिकित्सालय लहरतारा के प्रथम तल पर बने वैक्सीनेशन केंद्र में सोमवार की सुबह से 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया। 3 जनवरी से शासन की मंशानुरूप 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। शहर और ग्रामीण अंचल मिलाकर कुल 76 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी क्रम में अर्दली बाजार स्थित LT कॉलेज में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर स्लॉट बुकिंग और ऑन स्पॉट बुकिंग के आधार पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। इस दौरान वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सब लोग अपना अपना डोज लगवाए टाइम टू टाइम, और ये गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है उसको, मतलब वो सबके अच्छे के लिए ही है, तो सब लोग अपना अपना डोज ले लें। जब थोड़ा लगा तो हल्का सा भी दर्द है, हाथ उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, अभी उतना नहीं पता चल रहा है। वैक्सीन बहुत सेफ है, सबको लगवाना चाहिए। अब तो 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स के लिए भी वैक्सीन आ गई, तो अब हम सब भी सेफ है। जो 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स है, अब हम भी मतलब कि जा सकते हैं, स्कूल वूल सेफ हैं, और कोविड प्रोटोकॉल्स फिर भी फॉलो करने हैं। 18 प्लस 15 प्लस बच्चों का, और कोवैक्सीन बच्चों को लग रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। बच्चे यहाँ पे स्लॉट बुक करके आ रहे हैं, और जो स्लॉट बुक करके नहीं आ रहा उसको हम यहाँ से ऑन स्पॉट स्लॉट का बुक कर रहे हैं, और फिर यहाँ से देन उसके बाद वैक्सीनेटेड बच्चों को कर रहे हैं। आधा घंटा उन लोगों को बैठाया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उनको छोड़ा जा रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।